राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी मंगल कामनाएं। माता का आशीर्वाद आप सभी पर सदा ही बना रहे। माता सभी के दुखों को दूर करें, सभी के कष्टों को दूर करें और सभी को सुख सौभाग्य प्रदान करें। तो आज की ये जो वीडियो है, ये है माता महागौरी के स्वरूप का वर्णन करने से संबंधित, कि अष्टमी तिथि है कल, यानी कि 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को नवरात्र की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि माता महागौरी को समर्पित है। तो माता दुर्गा के आठवें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है अष्टमी तिथि में। अष्टमी तिथि की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत के पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन भी किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो माता के विषय में हम बहुत सारी आज बातें करेंगे अपनी इस वीडियो में, अष्टमी तिथि के विषय में। तो एक बार माता का जयकारा लगाते हैं, बोलिए महागौरी माता की जय। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं महागौरी माता की पूजा की विधि। तो देखिए, अष्टमी तिथि पर महागौरी माता की पूजा का जो विधान है, वो बाकी दिनों की तरह ही आपको करना है। प्रातःकाल जल्दी उठिए और नहीं तो जो आपका रूटीन हो पूजा पाठ का, उसी हिसाब से पंचोपचार विधि से माता का पूजन कीजिए। जिस तरह आपने सप्तमी तिथि पर पूजा की माँ की, उसी तरह से आपको अष्टमी तिथि पर भी माता का पूजन करना है। आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे दिन जैसे पूजा की, उसी प्रकार करना है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरे नमः का जाप करना चाहिए। माता की शास्त्रीय विधि से उसी प्रकार से पूजा की जाती है जैसे आप पूरे नवरात्र करते हैं। और माता रानी को लाल चुनरी उढ़ाना बहुत ही शुभ कार्य होता है। तो इसी प्रकार से माता की पूजा अर्चना कीजिए। और माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें, विधिवत पूजन करें महागौरी को। रात की रानी के फूल बहुत अधिक प्रिय हैं और आप मन में बहम ना पालें। आपके पास जिस प्रकार के भी पुष्प हों, आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माँ सदैव भाव की भूखी हैं, अपने भक्तों के प्रेम को देखती हैं। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव, सुख, शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, किंतु कुछ लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं और बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है, हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है
और माँ को इसका भोग लगाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि माता रानी को गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब हम माता के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से ये माता का बहुत ही प्रिय मंत्र है और इससे माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को कांतिमय बना दिया था। गंगा माता के पवित्र जल से धोकर उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाईं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना अत्यंत कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। आइए अब माता रानी की पावन कथा का श्रवण करते हैं संक्षिप्त रूप से। तो सबसे पहले भगवान गणेश की जय बोलते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता महागौरी की जय। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के का मन बहुत ही आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचे तो माँ पार्वती को देख कर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। माता पार्वती का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है, उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी स्नेहमयी शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह बहुत कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी माता का रूप धारण किया था। महागौरी माता का पूजन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और माता रानी की बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है। इनकी उपासना से
अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी नौ देवियाँ प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में आपके लिए महागौरी माता और अष्टमी तिथि की ये कथा, माता का प्रिय भोग है जैसे कि आपने जाना नारियल, और माता का प्रिय रंग है गुलाबी, और माता का प्रिय मंत्र भी हमने आपको बता दिया और माता की कथा भी सुना दी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो पूर्ण होती है। ऐसी एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। घर पर बैठे बैठे कंजूसी नहीं करनी है, जयकारा लगाने हैं। तो बोलिए शेरा वाली माता की जय।